स्टाइपेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सारे एनआईटी कॉलेज में जो कि 32 एनआईटी हैं अभी करेंटली इंडिया में, उसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कितना मिनिमम परसेंटाइल चाहिए सारे कैटेगरी के लिए, होम स्टेट, अदर स्टेट, मेल, फीमेल, सब कुछ डिस्कस होगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस इन्फॉर्मेशन को ले सके, क्योंकि इसमें बहुत सारा एफर्ट एंड एनालिसिस लगा है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम लगा, इस तरह का वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं एनआईटी जालंधर का। इसमें कोई रैंकिंग नहीं है, कोई एक नंबर और लास्ट नंबर का एनआईटी है, बस हम सारा एनआईटी को कवर कर रहे हैं। तो एनआईटी जालंधर के लिए जनरल 98.5, 97.5, होम स्टेट के लिए मेल फीमेल और अदर स्टेट 98.7, 98.2 परसेंटाइल का जरूरत है। अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस तो अब हम बात करेंगे अदर स्टेट मेल कैंडिडेट के लिए। होम स्टेट के लिए आप साइड वाइज डेटा चेक कर सकते हैं h.s का कॉलम में, और फीमेल अगर है आपको स्लैश के बाद चेक करेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए 98.3, ओबीसी 98.1, एससी 91.2, एसटी 88 परसेंटाइल का जरूरत है एनआईटी जालंधर में सीएस ब्रांच के साथ एडमिशन लेने। तो चलिए आगे बात करते हैं एनआईटी आंध्रा का। इसमें जनरल के लिए 98 चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 97.2 चाहिए, फिर ओबीसी के लिए 97.5 चाहिए, फिर एससी के लिए 89.8 और एससी के लिए 86.8 परसेंटेज। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें आईआईईएसटी शिवपुर, जो कि एक नया एनआईटी है, ये 2 साल पहले ही एनआईटी का अप्रूवल इसको मिला है। फिर जनरल 98.6, ईडब्ल्यूएस 98.4, ओबीसी 98, एससी 91, एसटी 90 परसेंटाइल का जरूरत है। इसके बाद एनआईटी अगरतला में जनरल 97.7, ईडब्ल्यूएस 97.4, ओबीसी 97.2, एससी 88, एसटी 85 परसेंटाइल का जरूरत है एडमिशन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं श्रीनगर, जनरल 97.5, ईडब्ल्यूएस 97.2, ओबीसी 97.1, एससी 87, एसटी 82 परसेंटाइल। अदर स्टेट मेल कैंडिडेट का बात कर रहे हैं, आप फीमेल के लिए आप फिर स्लैश चेक कर सकते हैं और होम स्टेट के लिए साइड वाइज देख सकते हैं। चलिए सिक्किम का बात करें, जनरल 97.4, ओबीसी 97, एससी 85, एसटी 82। मणिपुर के लिए 97.2, 97, 97, 85, 81, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे बात करते हैं अरुणाचल का, जनरल 97.1, ईडब्ल्यूएस 96.5, ओबीसी 96.7, एससी 86.2, एसटी 82.4 परसेंटाइल। इसके बाद मिजोरम के लिए जनरल 96, ईडब्ल्यूएस 95.5, ओबीसी 96, एससी 85, एसटी 80 परसेंटाइल इज रिक्वायर्ड। और नागालैंड इट इज जनरल के लिए 96.7, ईडब्ल्यूएस के लिए 96.3, ओबीसी 96.9, एससी 86.2 परसेंटाइल। फिर मेघालय के लिए 97.9, 97.5, 97.6, 88 एंड 85.8 परसेंटाइल जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। ये बिल्कुल ही एक्यूरेट डेटा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ना करें ये एक्यूरेट है या कितना परसेंट सच हो सकता है। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से 100% एक्यूरेट डेटा है, तो प्लीज़ आप इस पर ट्रस्ट करें और इसको अपने माइंड में रखें ताकि आप टारगेट अचीव कर सकें अगला अटैम्प्ट में, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आया फर्स्ट अटैम्प्ट में तो। फिर पुडुचेरी के लिए जनरल 98.1, ईडब्ल्यूएस 97.8, ओबीसी 97.7, एससी 90, एसटी 88। अब बात करें एनआईटी दुर्गापुर का, ये एक टॉप 10 का एनआईटी है। तो यहाँ पे जनरल 99, ईडब्ल्यूएस 98.6, ओबीसी 98.9, एससी 94, एसटी 93.5 परसेंट है। अगर आप बात करें कुरुक्षेत्र का, तो जनरल 99.2, ईडब्ल्यूएस 99, ओबीसी 99, एससी 94, एसटी 92 चाहिए। इसके बाद नागपुर के लिए 99.4, 99.2, 99.3, 95.7, 94.5 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। इसके बाद अगर आगे आप बात करें जयपुर के लिए, जनरल 99.5, ईडब्ल्यूएस 99.2, ओबीसी 99.3, एससी 94.8, एसटी 93.5 परसेंट है। इसके बाद कालीगढ़ के लिए 99.5, 99.3, 99.4, 96.7, 94.7 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। फिर राउरकेला के लिए जनरल 99.7, ईडब्ल्यूएस 99.4, ओबीसी 99.5, एससी 98.6, एसटी 96.9 परसेंट है। फिर एम एनआईटी इलाहाबाद के लिए जनरल 99.5, ईडब्ल्यूएस 99.2, ओबीसी 99.4, एससी 97.2, एसटी के लिए 86.5 परसेंट है। फिर वारंगल के लिए 99.8, 99.6, 99.7, 98.6, 97.1 परसेंटाइल जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। फीमेल हैं तो आप स्लैश के बाद चेक करें, हर एक कैटेगरी का दिया गया है। फिर होम स्टेट के लिए भी सारे कैटेगरी मेल फीमेल का साइड वाइज लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं एनआईटी सूरत कल का, जनरल 99.8, ईडब्ल्यूएस 99.7, ओबीसी 99.7, एससी 99.2, एसटी 98.6। फिर त्रिची के लिए 99.9, जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस 99.7, ओबीसी 99.8, एससी 99.4, एसटी के लिए भी 99.4।
रायपुर के लिए 98.7, 98.2, 98.6, 90.3, 88.4 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। आगे आप अगर बात करें आईटी भोपाल का, जनरल 99.1, ईडब्ल्यूएस 98.7, ओबीसी 98.9, एससी 91, एसटी 89%। फिर सिलचर के लिए 98.8, 98.5, 98.6, 91.4, 90.7 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद सूरत के लिए जनरल 99.3, ईडब्ल्यूएस 98.9, ओबीसी 99.1, एससी 91.3, एसटी 89%। फिर गोवा के लिए 98.8, 98.5, 98.4, 90.7, 88। फिर जमशेदपुर के लिए 98.5, 98.9, 91.7, 91 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। उत्तराखंड के लिए 98.1, 97.8, 97.7, 89.3, 88.2 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी के लिए रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे बात करते हैं पटना के लिए, जनरल 98.5, ईडब्ल्यूएस 97.9, ओबीसी 98.2, एससी के लिए 91.2, एसटी के लिए 90.2%। फिर हमीरपुर के लिए जनरल 98.8, ईडब्ल्यूएस 98.6, ओबीसी 98.6, अगेन एससी के लिए 91.3, एसटी के लिए 90.8। इसके बाद दिल्ली के लिए बात करें, जनरल 99, ईडब्ल्यूएस 98.5, ओबीसी 98.7, एससी 93.6, एसटी 91। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारे एनआईटी कॉलेज में सीएस ब्रांच कितने मिनिमम परसेंटाइल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो का डेटा अपने माइंड में रखें ताकि आपको एडमिशन में हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ये रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को ताकि इस तरह का डेटा हम बार बार आपको दे सकें, जो कि आपको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन के लिए हेल्प करेगा।